नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कोरोना वायरस से जुड़ी अहम खबरों के साथ। कोरोना वायरस से निपटने के लिए जारी लॉकडाउन का आज 23वां दिन है। सरकार की ओर से कोरोना वायरस से निपटने के लिए हर तरह का प्रयास किया जा रहा है, जिसके अब सकारात्मक नतीजे देखने को मिल रहे हैं। देश में कोरोना वायरस की स्थिति की बात करें तो वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या देश में 12,380 हो गई है और पिछले 24 घंटे में 941 नए मामले सामने आए हैं। अभी तक 414 लोगों की कोरोना वायरस संक्रमण से मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 37 लोगों की मौत हुई है। अब तक 1489 लोग संक्रमण से मुक्त हुए हैं, ठीक हो गए हैं, और एक ही दिन में 183 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। अच्छी बात यह है कि देश में 325 जिलों को कोरोना वायरस संक्रमण से पूरी तरह से अभी अछूता बताया जा रहा है। यहां से एक भी मामले सामने नहीं आए हैं। वहीं पुडुचेरी के माही जिले में पिछले 28 दिनों में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है और इसी तरह 27 अन्य ऐसे जिले हैं जहां 14 दिनों में कोई संक्रमण का मामला सामने नहीं आया है। हमारी इस लड़ाई में, हमारे इस एफर्ट्स में अभी तक भी फील्ड लेवल पर किए हुए एक्शन के तहत 325 ऐसे जिले हैं जहां पर कोई भी केस नहीं आया है। हमारी केस फेटेलिटी रेट अगर 3.3% है तो हमारी परसेंटेज ऑफ पीपल हु हैव रिकवर्ड सो फार इज अराउंड 12.02%। साथ ही फील्ड लेवल पर जो कुछ ऐसे जिले जहां पर इससे पहले केसेस आए थे लेकिन फील्ड एक्शन के द्वारा उनको कंट्रोल और उनके कंटेनमेंट से संबंधित जो काम हुआ है उसके तहत माही इन पुडुचेरी एक वह जिला है जहां पर पिछले 28 दिनों से कोई फर्दर पॉजिटिव केस नहीं आया है। इसके साथ ही 27 ऐसे जिले हैं उन 17 राज्यों में जहां पर पिछले 14 दिनों से कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है, जिसमें है कि पटना बिहार से, नादिया वेस्ट बंगाल से, प्रतापगढ़ राजस्थान से, गिर सोमनाथ पोरबंदर गुजरात से, भद्राद्री कोथागुड़म तेलंगाना से, साउथ गोवा गोवा से, उत्तराखंड से पौड़ी गढ़वाल, पीलीभीत इन यूपी, राजौरी इन जम्मू कश्मीर, वेस्ट इम्फॉल इन मणिपुर, बिलासपुर दुर्ग, राजनंदगांव रायपुर में छत्तीसगढ़ में, पुडुचेरी में जैसे मैं बता चुका हूँ माहिब, एजवाल वेस्ट जो है मिजोरम में, देवनगिरी कोडगु तुमकुर उडुपी और बेलारी कर्नाटका में, वायनाड कोटेयम केरला में, एसबीएस नगर पंजाब में, हरियाणा में पानीपत और मध्य प्रदेश में शिवपुरी। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि फील्ड लेवल पर जो कंटेनमेंट का ये प्लान ऑफ एक्शन इम्प्लीमेंट हो रहा है उसके रिजल्ट हमें दिखने लगे हैं। लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग और कंटेनमेंट मेजर्स के इस कंबाइंड एफर्ट से अगर हम लोग इसी तरीके से इस सतत प्रयास में लग रहेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद। गृह मंत्रालय ने कहा है कि देश में खाने पीने की चीजों की कोई कमी नहीं है। राज्यों को नए दिशा निर्देशों को पालन करने के लिए कह दिया गया है। गृह मंत्रालय ने यह भी बताया कि 20 अप्रैल के बाद जो गैर हॉटस्पॉट इलाके हैं वहां पर चुनिंदा गतिविधियों के लिए इजाजत दी जाएगी। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर इन दिशा निर्देशों को ग्राउंड लेवल पर क्रियान्वित करवाने तथा आम जनता के लाभ के लिए इनके व्यापक प्रचार पर जोर दिया है। लॉकडाउन के अंतर्गत 3 मई 2020 तक संपूर्ण देश में हवाई, रेल और सड़क मार्ग से यात्रियों का आवागमन बंद रहेगा। टैक्सी, ऑटो रिक्शा और साइकिल रिक्शा सहित कैब एग्रीगेटर्स की सेवाएं प्रतिबंधित रहेंगी। सभी शैक्षिक एवं संबंधित संस्थान बंद रहेंगे। सभी सिनेमा हॉल्स, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम्नेजियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तथा इसी प्रकार के स्थान बंद रहेंगे। सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह और अन्य सभाओं के आयोजन पर रोक रहेगी। सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, धार्मिक समागम जनता के लिए बंद रहेंगे। जो क्षेत्र हॉटस्पॉट्स या कंटेनमेंट जोन नहीं है वहां पर 20 अप्रैल से कुछ चुनिंदा गतिविधियों की अनुमति दी जा सकेगी, बशर्ते
कि वहां पर मौजूदा दिशा निर्देशों एवं सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा हो। और आइए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं मेरे सहयोगी अनु दीवान से। अनु, 23 दिन लॉकडाउन के बीत चुके हैं, कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ी है तो ठीक हो रहे मरीजों की संख्या भी काफी बढ़ी है। किस तरह की तस्वीर पूरे देश से सामने आ रही है? देखिए, सरकार की जिस तरह से कोशिशें हैं, अगर उनको देखें, उनके ऊपर गौर करें, आंकड़े जिस तरह से सरकार हमारे सामने रख रही है, रोजाना जो टेस्टिंग का दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि टेस्टिंग का दायरा बढ़ता जाए, जिससे कि ये कामयाबी हासिल मिलेगी कि कोरोना के कितने मामले जो हैं सामने आ रहे हैं। अगर उन आंकड़ों पर गौर करें तो जिस तरह से टेस्टिंग का दायरा बढ़ रहा है, लेकिन पॉजिटिव मामले जो हैं वो बेहद कम सामने आ रहे हैं। तो सरकार इस चीज को लेकर चल रही है कि जिस तरह से अपने टेस्टिंग का दायरा बढ़ा रही है, स्मॉल सैंपल्स ले रही है, लार्ज सैंपल्स ले रही है, ग्रीन जोन्स में जा रही है, रेड जोन्स में जा रही है, उस तरह से अगर देखें तो मामले जो हैं वो बेहद कम हैं। और अगर हम मामलों का कंपैरिजन करें तो आज जो आंकड़े हैं उसके अगर हम देखें तो आज जो कोरोना के मरीजों की संख्या है और जितने ठीक हो रहे हैं उसमें एक काफी बड़ा एक ये कह सकते हैं कि एक अच्छी खबर सामने आ रही है कि जहां 12,000 से ज्यादा मामले हैं वहीं 1,500 के करीब लोग ठीक भी हो रहे हैं। तो सरकार की ये कोशिश है कि जितने लोग ठीक होंगे, जितना हम लोग सरकार की दी हुई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन जैसे नियमों का पालन करेंगे, उतने सरकार उन चीजों में कामयाबी हासिल करेगी। और जो लॉकडाउन का फेज 2 चल रहा है उसको अगर हम सख्ती से पालन करेंगे तो जो 20 अप्रैल तक की बात है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है चीजों में छूट दी जाएंगी, उसके ऊपर सरकार निगरानी रखे हुए है कि किस तरह से राज्य जो है इनका पालन करते हैं और मामले कितने कम आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तभी ये सामने आएगा कि 20 अप्रैल के बाद क्या होता है, क्या स्थिति सामने आती है कि क्या हम कोरोना की चपेट से बाहर निकल रहे हैं। और अब तक अगर हम बताएं तो सरकार ने कुल 170 जिले ऐसे घोषित किए हैं जो कि हॉटस्पॉट हैं, यानी कि मामले यहाँ पे सबसे ज्यादा आ रहे हैं। दूसरा, वहीं पे 200 के करीब जिले ऐसे घोषित किए हैं जहाँ पे मामले कम हैं लेकिन सरकार की नजरें उसके ऊपर गड़ी हुई हैं, क्योंकि सरकार कहीं से भी कोई भी लूपहोल छोड़ना नहीं चाहती है। तो सरकार का हम ये कहेंगे कि जो टेस्टिंग का दायरा है वो एक बड़ी पहल है कि जिस तरह से रोजाना टेस्टिंग नंबर्स बढ़ रहे हैं तो उससे पता चल रहा है कि हम किस ओर जा रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को नई दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी जिलों को COVID-19 के लिए जिला स्तरीय संकट प्रबंधन योजना तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के विशेष दल घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। बफर जोन में कर्मचारियों को स्वास्थ्य केंद्रों में सार्स और इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षण वाले रोगियों के उपचार का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कोरोना मामलों की गंभीरता को देखते हुए देश भर के जिलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जो है हॉटस्पॉट, गैर हॉटस्पॉट और ग्रीन जोन। हॉटस्पॉट वो जिले हैं जहां कोरोना संक्रमण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और इन इलाकों में संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़ रही है। गैर हॉटस्पॉट, इन जिलों में कोरोना के मामले तो सामने आए हैं लेकिन संक्रमण फैलने की रफ्तार काफी कम है। बात करते हैं ग्रीन जोन जिलों की, यहाँ कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आया है। जितने भी जिले हैं जो स्टेट से इंफॉर्मेशन के हिसाब से उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एक हॉटस्पॉट या रेड जोन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक नॉन हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर कुछ केसेज आए हैं, और कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो आज हमने जो स्टेट्स को लिखा है उसके हिसाब से हमने उनको बताया कि जहां पर भी मुख्यतः केसेज आए हैं, जो भी केसेज हमारे मतलब जिस जिलों से ज़्यादा आ रहे हैं वो हॉटस्पॉट के अंदर उसके तहत डिक्लेयर किए जाएंगे, उसके तहत वहां पर कंटेनमेंट प्लान ऑफ एक्शन किया जाएगा। उसमें करीब जो अभी कल तक का डिटेल्स हैं ये आपकी नॉलेज में लाना चाहूँगा कि एक रोलिंग टाइप ऑफ एक्सरसाइज है, तो उसमें करीब 170 जिले पाए गए हैं जो हॉटस्पॉट डिक्लेयर होंगे, 170, और इसके साथ ही जो नॉन हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर कुछ केसेज और पाए गए हैं जिनको हमने हॉटस्पॉट डिक्लेयर नहीं किया लेकिन हम चाहते हैं कि वहाँ पर भी क्लस्टर कंटेनमेंट प्लान इम्प्लीमेंट किया जाए और उनको पोटेंशियल हॉटस्पॉट्स हो सकते हैं तो उससे पहले ही उनको रोका जाए, वह करीब 207 जिले हैं। इसके साथ ही तीसरा इशू इसमें यह है कि हमने उन्हें कहा है कि हॉटस्पॉट जिले जो हैं उनके लिए जहां पर भी डबलिंग रेट यानी कि जहां पर केस के बढ़ने की गति काफ़ी ज़्यादा है उनको भी हॉटस्पॉट्स में डिक्लेयर किया जाए, जिला लेवल पर, स्टेट लेवल पर इसकी एनालिसिस की जाए और उसके तहत उस पर कार्य किया जाए।
दिल्ली में एक पिज्जा डिलीवरी बॉय को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है, जिसके बाद उसके संपर्क में आए 17 लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा गया है, जबकि 72 लोगों को होम क्वारंटीन में रखा गया है। दक्षिणी दिल्ली के डीएम ने कहा है कि डिलीवरी बॉय के संपर्क में 72 परिवार आए थे, इनमें से फिलहाल किसी का भी टेस्ट नहीं किया गया है, लेकिन अगर इन लोगों में कोरोना वायरस के लक्षण मिलते हैं तो इनकी जांच की जाएगी। इसके अलावा दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ा दी गई है और ये संख्या अब 56 हो गई है। मॉडल टाउन स्थित पुलिस कॉलोनी के ब्लॉक जी, एच और आई को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। इस कॉलोनी में दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर परिवार के साथ रहते हैं। उनके परिवार के 3 सदस्यों को कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। सब इंस्पेक्टर की पत्नी नर्स हैं और उनको सबसे पहले कोरोना संक्रमण हुआ, फिर सब इंस्पेक्टर को और फिर बेटे को भी कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया। दिल्ली में कोरोना के हालातों को देखते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि लॉकडाउन के कारण ज्यादा नहीं फैला है ये संक्रमण, और अगर आगे बचे हुए लॉकडाउन पीरियड का लोगों ने सही तरीके से इसका पालन किया तो वायरस के फैलाव को रोकने में आसानी होगी। इधर दिल्ली ने तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद कांधलवी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है, जो कि हत्या के किसी तरह के मामले में दूसरी सबसे बड़ी धारा है। निजामुद्दीन के मरकज में हुए जमात के कार्यक्रम में कई लोग शामिल हुए थे और इसमें विदेशों से आए हुए लोग भी थे, जिसके बाद संक्रमण तेजी से फैला और कई लोगों की मौत भी हो गई। आपको बता दें कि इससे पहले मौलाना साद पर उन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था जिसमें जो जमानती थे, लेकिन अब ये धारा 304 के तहत मामला दर्ज होने के बाद मौलाना साद को जमानत मिलने में मुश्किल होगी। भैया सुनना, बहना सुनना, संयम और सावधानी बरतना, सकल समाज को प्रेरित कर संकल्प कोरोना से लड़ना, संकल्प कोरोना से लड़ना। ये पहली एक बीमारी है पर नहीं कोई लाचारी है, भयभीत नहीं होना, इस अफवाहों से बच के रहना। जो आए विदेशी मेहमान उन पर रखना है ज्यादा ध्यान, संक्रमित क्रमित नित बढ़ता ये, हर पल एहतियात कर रखो ध्यान। धुलना है बारंबार हाथ, सैनिटाइजर रखो साथ, गर्मा कर पानी को पीना, तुम कपड़ों को भी रखना साफ, खांसी हो या सर्दी जुखाम लक्षण भी है इसके तमाम, मेडिकल जांच करा कर तुम औरों की बचा लो जान। जहां भीड़ भरे चौराहे हो, मंडी बाजार दोराहे हो, उस जगह पे जाने से बचना और हाथ मिलाने से डरना। कोई भी ताना बाना हो, यदि गैर जरूरी जाना हो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे का भी कर नहीं दर्शन करना, जन को बतलाना है, जनता कर्फ्यू अपनाना है, कर्फ्यू में घर पे ही रहकर भारत को जिताना है, भारत को जिताना है। ये देश हमारा अपना है, 125 करोड़ का सपना, काम करने के लिए रह रहे भारतीयों के लिए अच्छी खबर है। ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा की अवधि बढ़ाने का फैसला लिया है। अमेरिकी प्रशासन ने H-1B वीजा की अवधि बढ़ाने और देश में कुछ और समय के लिए बने रहने के लिए आवेदन स्वीकार करने का निर्णय लिया है। अमेरिकी गृह विभाग ने H-1B वीजा की अवधि बढ़ाने के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
अधिसूचना में कहा गया है कि जिस कंपनी में फिलहाल काम कर रहे हैं उसमें आगे काम करने की अनुमति 240 दिन तक बढ़ा दी जाएगी। अगर वो समय रहते आवेदन दे देते हैं तो उनकी मौजूदगी को गैर कानूनी नहीं माना जाएगा। इसमें कहा गया है कि कोरोना महामारी के चलते वीजा पर आने वालों के सामने इस समय कुछ मुश्किलें हैं। अमेरिकी प्रशासन ने ये घोषणा ऐसे समय में की है जब पूरी दुनिया में सभी देशों में अपनी सीमाओं को सील कर दिया गया है और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें पूरी तरह से बंद हैं। यात्रा प्रतिबंधों के चलते कई H-1B वीजा धारक अमेरिका में फंस गए। उनकी वीजा परमिट अवधि जल्द समाप्त होने वाली है। H-1B वर्क वीजा है जिसके जरिए अमेरिका अपने यहाँ के कंपनियों में विदेशी नागरिकों को काम करने की मंजूरी देता है। खास बात है कि हजारों भारतीय और चीनी IT प्रोफेशनल्स इस वीजा के जरिए अमेरिकी कंपनियों में काम कर रहे हैं। अमेरिकी सरकार ने अस्थायी कार्य वीजा पर यहाँ पहुँचे हजारों भारतीयों को एक बड़ी राहत दी है। पूरा विश्व कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहा है, ऐसे में G20 संगठन के देशों ने गरीब देशों से कर्ज लेने का काम साल के अंत तक के लिए टाल दिया है। G20 संगठन का ये फैसला केवल सरकारें ही नहीं बल्कि निजी संस्थाएं भी अमल में लाएंगी। ये फैसला बुधवार को सऊदी अरब में चल रहे G20 देशों के वित्त मंत्रियों के बैठक के बाद लिया गया। सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जदान ने बताया कि इस फैसले के बाद गरीब देशों के पास करीब 20 बिलियन डॉलर्स की रकम आ जाएगी जिसका इस्तेमाल वो कोरोना वायरस से लड़ने और स्वास्थ्य सुविधाओं पर काम करने के लिए कर सकेंगे। G20 संगठन के इस फैसले का IMF ने भी स्वागत किया है। Our actions today include a G20 initiative to suspend debt service payment for the poorest countries. All bilateral official creditors will participate in this initiative. I want to finish with the gratitude to the G20 for exceptionally rapid decision on debt relief for the poorest countries. It would release billions of dollars for them. And that is exactly what we need. कोरोना वायरस की चपेट में पूरा विश्व आ चुका है। ये महामारी अपने साथ आर्थिक चुनौतियां भी लेकर आई है। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक इस वक्त पूरी दुनिया को 1930 में आए ग्रेट डिप्रेशन से भी बड़ी आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इस वायरस ने इंसानों की जान तो ली ही है, साथ ही देश में कोई कामकाज नहीं हो पा रहा। फैक्ट्रियां, ऑफिस, यातायात सब कुछ बंद है। दुनिया की रफ्तार थम सी गई है और इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। IMF के आकलन के मुताबिक दुनिया की तमाम बड़ी अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में नेगेटिव ग्रोथ दर्ज करेंगी और इस आर्थिक संकट की चपेट में अमेरिका, जर्मनी, जापान, फ्रांस, UK, इटली, कनाडा, चीन जैसे देश भी हैं। आज इस संकट से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर कोशिश की जरूरत को समझते हुए G20 देश कार्य योजना बनाने की कवायद शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि वैश्विक वित्तीय संगठन भी जरूरतमंद देशों को हर संभव मदद देने के लिए आगे आ रहे हैं और इसी सिलसिले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज देर रात G7 देशों के प्रमुखों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे। समाज सुधारक, लेखक और आंध्र पुनर्जागरण के जनक श्री कंदुकुरी वीर शलिंगम के जयंती पर उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अपनी ट्वीट में उन्होंने लिखा कि श्री वीर शलिंगम ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक प्रयास किए। विधवाओं के पुनर्विवाह, उनके पुनर्वास के लिए उन्होंने समाज के रूढ़िवादी सोच को तोड़कर शिक्षा के जरिए उन्हें सशक्त बनाने की पहल की। युवाओं को चाहिए कि उनसे प्रेरणा लेते हुए समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। हवाई टिकट के रिफंड को लेकर सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है और ये गाइडलाइन लोगों के लिए राहत लेकर आई है। लॉकडाउन के दौरान हवाई सफर के लिए जिन लोगों ने टिकट खरीदा था उन्हें अब रिफंड मिलेगा। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक एयरलाइन कंपनियां ना तो टिकट रद्द करने पर कोई चार्ज लेंगी और ना ही आगे की तारीख के नाम पर पैसा अपने पास रख पाएंगी। मतलब टिकट रद्द कराने पर पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। सरकार ने रिफंड मिलने का टाइम भी तय कर दिया है। ये रिफंड
3 हफ्ते के अंदर आपको वापस मिल जाएगा। दक्षिण कोरिया में हुए आम चुनाव के नतीजे आ गए हैं। सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी ने 300 सदस्यीय नेशनल असेंबली में 163 सीट के साथ बहुमत हासिल कर लिया है। ये खबर इसलिए भी खास है क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस महामारी के चपेट में है। ऐसे में दक्षिण कोरिया ने सफलतापूर्वक अपने आम चुनाव संपन्न करा लिए, जबकि कुछ ही दिन पहले दक्षिण कोरिया भी कोरोना वायरस के मजबूत गिरफ्त में था। आखिर ये सब संभव कैसे हुआ, आइए जानते हैं। The South Korean public came out to vote Wednesday in record numbers, and the result was a resounding win for the ruling Democratic Party. The party won 3/5 of the 300 seats in the National Assembly. It was a night to forget for the opposition bloc, whose leader announced he would resign. Our political correspondent Kim Mo-gyun has the details. South Korea's ruling Democratic Party won a landslide victory in Wednesday's election, which had the highest voter turnout for a general election in 28 years. दक्षिण कोरिया में महामारी के इस दौर में आम चुनाव होना और उसमें भी 66.2% वोट पड़ना अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये वोट परसेंटेज 1992 के बाद हुए किसी भी संसदीय चुनाव की तुलना में सबसे ज्यादा है। आपकी जानकारी के लिए, इस चुनाव में 1,70,00,000 से ज्यादा लोगों ने वोट डाला। हालांकि कुछ महीने पहले तक सत्तारूढ़ दल पर सत्ता के दुरुपयोग, सुस्त आर्थिक विकास और उत्तरी कोरिया के प्रति नरमी बरतने के आरोप लग रहे थे, पर जिस तरह राष्ट्रपति मून जे इन की सरकार ने कोरोना वायरस जनित महामारी को जल्द और प्रभावी रूप से निपटाया, उसने बाजी पलट दी। इतना ही नहीं, इस बीच दक्षिण कोरिया ने कम से कम 20 देशों को परीक्षण किट निर्यात कर इस महामारी से लड़ने के साधन भी मुहैया कराए। स्थानीय जानकारों के मुताबिक मोटे तौर पर सरकार के हालिया प्रदर्शन को मिड टर्म जनमत संग्रह के रूप में देखा जा रहा है। तो ये कहानी अंजाम तक कैसे पहुंची? किसी भी देश में चुनाव के मायने बड़ी संख्या में लोगों का घर से बाहर आना है, वोट डालकर अपने दायित्व का निर्वाह करना है। शुरुआती दौर में चीन के बाद दक्षिण कोरिया में इस महामारी का सबसे ज्यादा असर हुआ था, तो वर्तमान हालातों में चिंता होना स्वाभाविक था। तो राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने मतदाताओं का मास्क पहनकर वोटिंग बूथ आना अनिवार्य कर दिया था। वोटिंग बूथ पर मतदाताओं के तापमान की जांच की जा रही थी। वोट डालने से पहले वोटर्स को सैनिटाइजर और दस्ताने दिए गए थे। पोलिंग बूथ्स पर लगे डक टेप्स के बीच में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तापमान की जांच में विफल रहे लोगों को मास्क पहने चुनाव अधिकारी अलग-अलग मतदान केंद्रों पर ले जा रहे थे। इन मतदान केंद्रों को फिर दोबारा सैनिटाइज किया जा रहा था। खुद क्वारंटाइन में गए 13,000 से ज्यादा लोगों को मतदान बंद होने के तुरंत बाद वोट डालने की अनुमति दी गई थी, बशर्ते उनके पास बीमारी के कोई लक्षण ना हो। अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों को मेल द्वारा वोट देने का विकल्प दिया गया था। हल्के लक्षणों वाले सैकड़ों मरीजों को पहले मतदान करने की अनुमति दे दी गई थी। इसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो एशिया का देश होने के बावजूद दक्षिण कोरिया बहुत ही विकसित है, और विकसित देशों में उनकी तुलना आप अमेरिका से यूरोप के किसी भी देश से कर सकते हैं। तो इसलिए जहाँ तक सैनिटाइजेशन का मामला है या हाइजीन मेंटेन करने का मामला है, ऐसे समय में जब कोरोना वायरस का प्रकोप हो, तो इसमें उन लोग अव्वल हैं। और इसीलिए कोरोना वायरस के प्रकोप से दक्षिण कोरिया सबसे तेजी से आगे निकलने की कोशिश करने वालों की जमात में खड़ा है। दूसरी बात यह है कि दक्षिण कोरिया के लोगों में गजब का स्व अनुशासन है, और इसी स्व अनुशासन की वजह से न सिर्फ वो तकनीक में आगे बढ़े हैं, बल्कि समाज में जो भी व्यवस्था बनाने की बात कही जाती है, जो भी सरकार का रिक्वेस्ट होता है और जो भी वहाँ की जनता को समझ में आता है कि यह करना जरूरी है, तो वो करती है। और इसीलिए इस चुनाव में लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। सरकार भी चाहती तो इस संकट की घड़ी में चुनाव को टाल सकती थी, लेकिन अगर सरकार ऐसा करती तो लोग कहते हैं कि सरकार भाग गई, और सरकार के पास इतनी क्षमता थी, कोरिया के लोग जानते थे, और इसीलिए सरकार ने इस प्रकोप के बीच में भी चुनाव कराया, सफलतापूर्वक चुनाव हुआ और दक्षिण कोरिया के लोगों ने बहुत ही उत्साह के साथ चुनाव में भाग लिया।
या सबके लिए एक तरीके कह सकते हैं कि सबक लेने की बात है कि आप कठिन से कठिन स्थिति में भी लोकतंत्र को बनाए रख सकते हैं और आम जीवन की जो चीजें हैं उनको आगे चलाए रख सकते हैं। तो विश्लेषकों के अनुसार इस आश्चर्यजनक रूप से हुए भारी मतदान की बजाय महामारी को लेकर भय और सतर्कता थी जिसने मतदाताओं को वर्तमान सरकार का समर्थन करने के लिए प्रेरित किया है ताकि राजनीतिक स्थिरता लाकर इस महामारी से मुकम्मल तौर पर निपटा जा सके। ये सफल चुनाव ये भी इंगित करते हैं कि कैसे आने वाले महीनों में आपदा के दौरान उठाए गए कदम किसी भी देश या सरकार के भविष्य के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं क्योंकि महामारी की परछाई सभी के सहन में सबसे ऊपर है। संदीप यश, राज्यसभा टीवी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।